हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस फाइनली यहां पे टीवीएस की तरफ से ब्रांड न्यू अपाचे 165 को लॉन्च किया गया। जी हां दोस्तों, अपाचे आरटीआर 165 को लॉन्च किया गया है। गाइस मेरे हिसाब से ना बहुत ही अच्छी बाइक बनाई गई है टीवीएस की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है गाइस इस बाइक को जो लिमिटेड रखा गया है इसे लिमिटेड नहीं रखना था। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ब्रांड न्यू अपाचे 165 आरपी एडिशन के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है इस बाइक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बाइक ये होने वाली है। देखिए गाइस, इसके कंप्लीट मैं आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा, सारे हाईलाइट फीचर क्या क्या यहाँ पे जो कि इसके प्रमोट किया जा रहा है, और गाइस क्यों इस बाइक को लेने का रीजन आप लोगों को बनता है वो भी चीजें मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अपाचे 165 के बारे में। कि सबसे पहले बात कर लेंगे इसके हाईलाइट फीचर्स के बारे में कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हाईलाइट की जा रही है, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस आप लोगों को ये बाइक देखने को मिली है। गाइस मैं आपको बता दूँ इस बाइक को 1,45,000 रुपये में एक्सरूम प्राइस दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो बाइक है ओनली 200 यूनिट्स, यानी कि बाइक को सिर्फ और सिर्फ 200 बनाया जाएगा, 200 पीस बनाया जाएगा। तो भाई यार इसको ऑर्डर कर लो, बेटर है अगर आप लेना चाहते हो बुक कर लो, नहीं तो आपको पता है भाई हमारे देश में कितने लोग और कितने अपाचे लवर्स है, वो लोग भाई ऑब्वियसली बात है इस बाइक को तुरंत खरीद लेंगे जो कि टीवीएस लवर्स है, अपाचे लवर्स है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसके जो कुछ नहीं, आपको ऑफिशियल साइट में जाना है, ऑफिशियल साइट में जाके आप लोगों को थोड़ा सा छोटा मोटा अमाउंट देकर आप इस बाइक को बुक कर सकते हो और इस फेवरेट अपाचे को अपनी बना सकते हो। चलिए बात करते हैं इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्यों ये बाइक मोस्ट पावरफुल 165 बन चुकी है। इस बाइक में दोस्तों R5 और MT15 से भी ज़्यादा PS पावर देखने को मिला है। दोस्तों इंजन में इस बाइक में आपको इंजन टाइप में SI 4-stroke ऑयल कूल्ड SOSC फ्यूल इंजेक्शन इंजन इस बाइक में दिया गया है। दोस्तों इस बाइक में 164.9 cc का इंजन यूज़ किया गया है। मैक्सिमम पावर में 19.2 का PS पावर है जो कि 10,000 rpm में पावर जनरेट करेगा। मैक्सिमम टॉर्क में 14.2 का न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि 8,750 rpm में पावर जनरेट करेगा। मतलब भाई 19.2 का पावर है, मतलब आप इसे कंपेयर करोगे आपकी RTR 200 से तो लगभग मतलब वही 2 BHP के आसपास का कम पावर है, बाकी सेम आपको RTR 200 इतना पावर आप लोगों को इस बाइक पे देखने को मिल रहा है। गाइस फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन है बुश का, साथ में नंबर ऑफ 4 वॉल्व बाइक में देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक स्टार्ट है बाइक में, किक ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाइक की जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑयल कूलर विथ रैम एयर असिस्ट आपको बाइक में देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों इसमें जो मफलर दिया गया है वो दिया गया है ट्विन पाइप एंड टीट बैलर डिजाइन इसमें दिया गया है, जो कि इसका एग्जॉस्ट होने वाला है काफी ज्यादा बेसी होने वाला है। नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में देखने को मिले हैं। प्लस दोस्तों एक नई चीज ऐड की गई है, वो ये ऐड की गई है कि बाइक में आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल अभी जो RTR 160 जो लास्ट टाइम तक आती थी उसमें आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता था, लेकिन इस बाइक में दोस्तों अब आप लोगों को स्लीपर क्लच भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप लोगों को बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही बेटर देखने को मिलने वाली है इस बाइक में। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज इस बाइक में मिलेगा। गाइस बात करें दोस्तों बाइक के कुछ नए चीजें के बारे में, चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में बात करें। देखिए जो सस्पेंशन है फिलहाल आपको टेलीस्कोपिक ही मिले हैं, अपसाइड डाउन नहीं दिए गए, लेकिन दोस्तों वो शोवा के सस्पेंशन है। और आपको बताना चाहूंगा जो शोवा के सस्पेंशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होते हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। यहां तक सुपर बाइक में भी आपको शोवा के सस्पेंशन दिए जाते हैं। रियर में भी शोवा के रेस्ट यूनिट टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको बाइक में मिलेंगे। डबल क्रेडल स्प्लिट चेसी दी गई है, 12 वोल्ट की ATH की बैटरी दी गई है। हेडलाइट के बारे में बात करें तो फुली LED लाइट आपको इस बाइक में दिया गया। प्लस दोस्तों ध्यान रखिए ये वही सेम है अपाचे 160 जो कि आप लोगों को स्पेशल एडिशन में जो लाइट मिली थी ना, सेम वही है, जो कि बीच में आपको DRL LED लाइट दी गई है जो कि कुछ दिन पहले ही अपग्रेड किया गया था। और ये थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगता है, और 200 में भी आपको सेम ऐसी ही लाइट देखने को
मिलने वाली है। बात करें दोस्तों बाइक के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में बात कर लें, तो बाइक में आपको फ्रंट में 90-90 के टायर देखने को मिले हैं जो कि 17 इंच व्हील के साथ में दिए गए हैं। रियर में बाइक में आपको 130-70 के टायर देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर बाइक में प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात कर लें, तो ब्रेकिंग में फिलहाल आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिला है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि सिंगल चैनल ABS है, और मेरे हिसाब से गाइस 165cc के हिसाब से भी सिंगल चैनल ABS बाइक के लिए इनफ है। प्लेट साइज के बारे में बात करें, तो फ्रंट में आपको बाइक में 270mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में यूज की गई है। रियर में आप लोगों को बाइक में 240mm की प्लेट प्रोवाइड की गई है इस बाइक में। गाइस इस बाइक का जो मैं आपको नाम ही बताना भूल गया भाई, बाइक का पूरा नाम है अपाचे 165 RP। आरपी का मतलब है रेस परफॉर्मेंस, मतलब बाइक को पूरी तरीके से रेस के हिसाब से डिजाइन किया गया, मतलब रेस पर्पस बाइक बनाने की कोशिश की गई है। और ठीक भी है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर एक अच्छी और एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस बाइक है तो ऑब्वियसली बात है उसको रेस के हिसाब से बनाया जाता है। बाइक का डिमेंशन एंड कैपेसिटी भी आ चुकी है, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है गाइस वह 1050mm की, बाइक की जो लेंथ है वह 2035mm की, बाइक की जो वीट है गाइस वह 790mm की है, बाइक की जो व्हील बेस है गाइस वह 1357mm की, बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस वह 180mm का, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, प्लस बाइक का जो सीट हाइट है गाइस वो लगभग 800 mm के आसपास का सीट हाइट है। बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वो है 148 kg का। बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड रखी गई गाइस वो रखी गई है 123 km/h के आसपास, मतलब मान लो मिनिमम भाई 135 तक तो खींचेगी। साथ में फ्यूल टैंक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक में देखने को मिल रही है गाइस। मतलब भाई 160 सेगमेंट में अगर देखा जाए तो अब इंडियन मार्केट में ये बाइक सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक हो चुकी है, और बाइक की जो परफॉर्मेंस है, बाइक की जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों को बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आरपी एडिशन रेस परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस बाइक में आपको क्या क्या चीज़ें एकदम हाईलाइट की जा रही है, वो किया जा रहा है एडजस्टेबल क्लच आपको मिलेगा, ब्रेक लीवर्स, TVS रेसिंग डिसेल है, प्रीमियम सीट कवर है, लिमिटेड एडिशन कस्टमाइज स्टिकरिंग है, 5 years ऑफ अपाचे लोगो मिलेगा, डिजिटल रेसिंग कंसोल दिया गया है जो कि थोड़ा नया है, एग्रेसिव हेडलैम्प विथ सिग्नेचर फ्रंट पोजीशन लैम्प दिया गया है, एग्रेसिव टैंक काउल है, रेस इंस्पायर्ड रेड अलाउविल है। रेड अलाउविल कहने भाई बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार आप इसे सामने से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। साथ में दोस्तों बाइक का जो चेसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है, बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक है, जिस वजह से बाइक जो है टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छा अचीव कर पाएगी। रेस परफॉर्मेंस दैट्स लेफ्ट टाइम, मतलब इनका कहना है कि ये जो बाइक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और आपको बता दूं गाइस ये जो बाइक हो गया अपाचे को, जो जब से TVS ने अपाचे लॉन्च किया है उसको हो गया 15 years, या 15 साल हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं ये बाइक भाई शुरू से अच्छे से हमेशा अच्छी रही है, और क्या ही कहना, और भी अच्छी बाइक यहाँ पे लॉन्च की गई है TVS की तरफ से। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो बाइक है ना बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है इंडियन मार्केट में, लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट, जी 200 यहाँ पे बनाया जाएगा। आपकी किस्मत में है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, भाई लेना चाहते हो तो जाकर फट से बाइक को बुक कर लो और आप ये बाइक को खरीद लो, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों 200 बाइक बुक करना मतलब भाई समझ रहे हो ना आप लोग कितनी स्पीड से बुक होगा, समझ गए ना। तो भाई अगर लेना चाहते हो तो फटाक से बाइक को बुक कर लो, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो बाइक है इसमें कुछ सोचने वाला चीज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी बाइक बनाई गई है, कोई भी सोचने की चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को बाइक में बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों TVS अपाचे RTR 165 RP एडिशन का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।